गाइस, मिंत्रा वर्सेस मीशो, मीशो वर्सेस मिंत्रा, या फिर मीशो वर्सेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड सो ऑन, आपने बहुत सारे लोगों को कंपेयर करते देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा, कि मीशो में जो है आपको कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट हाफ प्राइस मिल जाता है अगर आप उसको मिंत्रा या फिर अमेजोन या फिर किसी भी और वेबसाइट के साथ कंपेयर करो. इनफैक्ट आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उन लोगों ने बताई होगी, बट आई एम श्योर कि अभी तक आपके साथ किसी ने भी ये शेयर नहीं किया होगा कि एक्चुअली में ये जो ह्यूज डिफरेंस है ये क्यों है, क्यों हमको मीशो में ऑलमोस्ट आधे प्राइसेस में सारी चीजें मिल जाती हैं एंड क्यों हमें दूसरी वेबसाइट्स पे डबल प्राइस देना पड़ता है, क्वालिटी के क्या इश्यूज रहते हैं. तो आज मैंने जो है बहुत सारे चीजें यू नो कंक्लूजन निकाला है, मैंने काफी सारे सेलर्स के साथ बात करी है, रीसेलर्स के साथ बात करी है एंड फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंची हूं कि ये ह्यूज डिफरेंस क्यों दिखने को मिलता है सभी कस्टमर्स को. सो ये आपके साथ बेसिकली मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी. साथ में मैंने दो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो है मैंने मीशो से लिए हैं एंड सेम ही प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं मिंत्रा से, तो उनकी क्वालिटी एंड उनका प्राइस इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है वो भी शेयर करूंगी. और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपने वर्सेस वाली वीडियो तो बहुत सारी देख ली है बट एक्चुअली में इसका यू नो पोल खोल क्या है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये डिफरेंस क्यों दिखने को मिलता है. आई एम श्योर बहुत यूजफुल होने वाली है वीडियो, एंड तक देखिएगा. आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड आपके कॉमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए. और इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियो आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो या फिर यू नो चीजों से अपडेटेड रहना चाहते हो फैशन और हॉल वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रांग बनाइएगा. अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का पोल खोल चेक करते हैं. सो गाइज, ये वो दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये वो वाला लॉट है जो कि मैंने मिंत्रा से लिया है और ये वो वाला लॉट है जो कि मैंने मीशो से लिया है. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम कंपेयर करेंगे वो है ये वाली ड्रेस. एंड जब इस ड्रेस को मैंने मीशो में देखा था तो मेरा दिमाग खराब हो गया था. गाइज, ये वाला जो है ये फैशर ब्रांड का है जो कि मैंने आज से 4-5 महीने पहले लिया था मिंत्रा से. एंड इसके लिए मैंने समवेयर अराउंड 1800 या फिर 1850 रुपये कुछ इतने दिए थे. कुछ इस तरीके से जो है हमको ये कॉटन फैब्रिक में मिल जाती है. मैं आपके साथ 1 by 1 इनका वर्क, इनके यू नो फैब्रिक की क्वालिटी एंड इनका प्राइस भी शेयर करती जाऊंगी. एंड एक्चुअल में जो इनका स्क्रीनशॉट है इनके प्राइसेस का मीशो एंड मिंत्रा बोथ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी तो आप उनको आराम से कंपेयर कर सकते हो. तो अगर हम मिंत्रा की ड्रेस देखें, ये वाली जो कि फैशर ब्रांड से मैंने ली, आप देख सकते हो इसमें फैशर का टैग लगा हुआ है. ये हमको मिल जाती है 100% फाइन कॉटन फैब्रिक में, जिसमें कि राउंड नेक है एंड पूरे योग पार्ट पे हमको ये वाला आप देख सकते हो ग्लास सिप्पी का वर्क और ये पर्ल का जो है ये वर्क मिल जाएगा. कुछ तरीके का पैटर्न है जो कि स्टिचिंग में है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क है पूरा का पूरा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में इन्होंने ये पर्ल के बटन्स जो है जस्ट एक शो के लिए पूरा पर्ल यहाँ पे लगाया. सो ओवरऑल इसकी लुक कुछ ऐसी आती है. अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम मीशो वाली ड्रेस को देखें तो इसमें स्लाइटली सा जो है कलर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. ये वाला जो है थोड़ा डार्कर टोन में है एंड ये वाला जो है आपको इसका अपर पोर्शन थोड़ा लाइट पिंक शेड में मिलेगा. बट कॉन्सेप्ट दोनों ही कुर्तीज का ऑलमोस्ट एकदम सेम है. इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है कॉटन का एंड इसमें भी आपको सेम यही पैटर्न देखने को मिलेगा. एक जो डिफरेंस है गाइस वो कलर का है और दूसरा डिफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली जो कि विजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिल्वर लाइंस है इसमें बहुत ही मिनिमल सी है. हालांकि ये वाली सिल्वर लाइंस भी जो है ये जरी वाला वर्क ही है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा लाइट है. और अगर दूसरे हाथ पे अगर हम देखें जो हमने मीशो से लिया था उसमें आप देख सकते हो कि ये बड़ा बड़ा जो है हमको जरी का वर्क देखने को मिलेगा. ये भी जो है फॉल प्रिंट नहीं है, ये पूरा ही जो है थ्रेड वर्क है. तो आप दोनों को देख सकते हो कि इनका वर्क जो है आप कंपेयर करके देख लीजिए. ये देखिए कुछ इस तरीके का वर्क आ जाता है. कलर में डिफरेंस है, वर्क सेम है एंड इसके कपड़े की क्वालिटी एकदम सेम है. नाउ ये जो है इसमें हमको मिलती है 3/4 स्लीव्स कुछ ऐसी एंड इसमें हमको इस तरीके की लेस डिटेलिंग, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी लेस डिटेलिंग दे रखी है एंड बीच में ये कुछ ऐसी है ये दी हुई है. और ये जो आप सिल्वर देख रहे हो ये पूरे ही फैब्रिक में जैसा कि फैशर की कुर्ती में रहेगा बिल्कुल सेम वैसा ही जो है मीशो की कुर्ती में भी ये वाला सिल्वर लाइन आपको पूरे ही फैब्रिक में मिलेगा. नाउ मीशो का जो कुर्ता है इसकी स्लीव्स आपको मिलेंगी, ये देखिए 3/4 सेम लेस डिटेलिंग का पैटर्न आपको दे रखा है बट इतना डिफरेंस है. ये देखिए इसका जो है कुछ ऐसा लेस है एंड इस मीशो वाले में जो है इन्होंने क्रोशिए की लेस डिटेलिंग लगाई है. ये देखिए आप देख सकते हो दोनों को ही कंपेयर करके कि कुछ इस तरीके से है.
फैब्रिक गाइस रियली दोनों का सेम है. एंड यस, एक चीज़ और, जो फैशर वाला कुर्ता है इसमें हमको किसी भी तरीके की लाइनिंग प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन जो मीशो का कुर्ता है उसमें हमको जस्ट वेस्ट लाइन तक, क्योंकि ये लाइट शेड है तो इसमें सेलर ने जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से 100% कॉटन फैब्रिक का आप देख सकते हो लाइनिंग प्रोवाइड कर रखी है. ये ऊपर से लेके वेस्ट लाइन तक ही रहेगा सिर्फ. सो ओवरऑल ये है. एंड ये जो मीशो का ड्रेस है गाइज, ये भी ट्रू टू द साइज है. ये जो है आपको इस कॉन्सेप्ट में दिया है कि लाइट कलर से लेकर के एंड डार्क टोन जाएगा कुछ इस तरीके से. ये देखिए पूरे ही फैब्रिक में आपको ये सिल्वर लाइंस दिखने को मिलेंगी. लेयर्ड पैटर्न है इस पे, टायर्ड अनारकली है, वेस्ट तक एकदम परफेक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्लीटेड पैटर्न दे रखा है. इसमें भी हमको जो है फ्रंट में कुछ ऐसा प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है. बाकी नीचे जो है आप देखोगे कि कलर्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, लाइटर से जो है डार्कर टोन पे जा रहा है. ये देखिए ये. एंड ये है हमारा मिंत्रा का कुर्ता जो कि कुछ इस तरीके से है. ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक जो है लाइटर शेड्स जा रहे हैं. अगर आप कंपेयर करो तो मुझे कंपेरेटिवली यू नो मीशो के जो शेड्स हैं वो ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि इसमें पूरी फुल वैरायटी आपको पिंक शेड की दी है एज़ कम्पेयर टू ये वाला, क्योंकि इसमें जो है मतलब पिंक का इतना ज़्यादा यू नो विजुअल नहीं है. आप देख सकते हो हल्का सा दिख रहा है कि नीचे जो है वो डार्कर पिंक है एंड ऊपर का हल्का सा लाइट, लेकिन आप देखो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें कि एकदम लाइट बेबी पिंक कलर से स्टार्ट किया हुआ है और नीचे जाते जाते आपको ये डार्कर टोन मिल जाती है. अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑलमोस्ट दोनों की सेम है. मेरी हाइट है 5'4", आप दोनों का ट्राई ऑन यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी लेंथ दोनों ही कुर्तीज़ की मुझे सेम आई है. एंड इनका घेर भी जो है एकदम सेम है. ये देखिए कुछ इतना बड़ा घेर जो है ये आपको मिल जाएगा मीशो के कुर्ता में. एंड इस ये जो है जो मैंने मिंत्रा से परचेज किया था, इतना ही घेर जो है आपको मिल जाएगा मिंत्रा के कुर्ते में, आई मीन सेम इसी कुर्ते में. एंड बैक साइड पे ये दोनों के दोनों एकदम प्लेन है. ये देखिए सेम यही फैब्रिक जो है पूरा का पूरा थ्रू आउट पीछे तक जाएगा, मिंत्रा वाले में भी एंड मीशो वाले में भी. आप देख सकते हो कि बैक साइड पे सेम यही कलर का जो है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा इस तरह से. सो गाइज, दोनों कुर्ती ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, सिर्फ कलर में डिफरेंस है. इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम है. एंड अगर ये वाली ड्रेस पहले लॉन्च हुई होती मीशो पे तो डेफिनेटली मैं इस पर ही इन्वेस्ट करती, क्योंकि ये मैंने 800 या 850 कुछ की ली है ये वाली मीशो से, और ये मिंत्रा वाली जो है ये मैंने ली है 1850 रुपये की. तो आप दोनों के ट्रायऑन्स को देख करके आइडिया लगा सकते हो, खुद डिफरेंस देखिए आपको क्या समझ में आता है. और आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइस, नेक्स्ट कुर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड हम में से बहुत लोगों ने जो है आपके साथ शेयर भी किया है, आपके पास होगा भी, जो कि कुछ इस तरीके का कुर्ता है. ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये यू नो ट्रेंड में रहा है कुर्ता एंड बहुत प्रिटी लगता है. सो ये मैंने जो है वारंगा ब्रांड से लिया था इनिशियली, एंड ये मिंत्रा से लिया है, वारंगा ब्रांड का है. एंड ये वाला जो है ये मैंने लिया था मीशो से. एंड ये जो मुझे रिसीव हुआ इसमें लगा हुआ है यहाँ पे रेतरस का टैग. नाउ इसमें जो है बहुत ही हल्का हल्का सा डिफरेंस है, वो भी आपको तब दिखेगा जब आप बहुत ध्यान से देखोगे. दोनों ही कुर्तीज़ का जो फैब्रिक है वो है 100% कॉटन, और आप खुद देख सकते हो. ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसका टैग लगा हुआ है रेतरस का, जो कि मैंने लिया था मीशो से. इनफैक्ट ये वाला ब्रांड आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर भी अवेलेबल है. एंड ये वाला जो है ये हमको मिल जाता है वारंगा से. ये देखिए दोनों के ही अलग टैगिंग है, लेकिन आप देखो वर्क जो है दोनों का एकदम सेम. ये जो है हमारा मिंत्रा वाला कुर्ता हो जाता है एंड ये जो है हमारा हो जाता है मीशो वाला कुर्ता. ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है. इसका फैब्रिक भी 100% कॉटन फैब्रिक है जैसे कि मैंने बोला, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मिंत्रा वाला है इसका पूरा जो फैब्रिक प्रिंट है वो कुछ ऐसा रहेगा. एंड ये है मीशो का फैब्रिक प्रिंट. ये देखें तो शुरू करते हैं हम इसके नेक से. तो सबसे पहले मैं आपके साथ मिंत्रा वाला शेयर करती हूँ. राउंड नेक के साथ आपको ये पूरा गोटा पट्टी का और पाइपिंग का वर्क मिल जाता है. ये देखिए पूरा का पूरा ये कुछ ऐसा वर्क है, कुछ सामने से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा. एंड दूसरी तरफ अगर आप देखते हो मीशो का कुर्ता तो वो भी पूरा सेम है. ये देखिए बिल्कुल सेम वर्क आपको दोनों कुर्तीज़ में देखने को मिल जाएंगे. ये देखिए बिल्कुल भी इतना हल्का सा भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम कुर्तीज़ हैं. स्लीव्स दोनों में ही आपको 3/4 मिलेंगी. ये देखिए ये मिंत्रा की कुर्ती है, 3/4 स्लीव्स के साथ आपको एक गोटा पट्टी और लेस डिटेलिंग का वर्क मिलेगा. और ये बैक साइड पे ये जो है ये है मीशो की कुर्ती, जिसमें आपको सेम यही वर्क दिखने को मिलेगा. मतलब इतना सा भी डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट आप देखो, मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि शायद ये वाली जो पट्टी है मिंत्रा की बड़ी है एंड मीशो की छोटी है. ये देखिए बट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है. ये देखिए इसका हल्का सा बड़ा है और इसका हल्का सा छोटा है, बट कॉन्सेप्ट एकदम सेम है. सेम मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, आप एकदम पास से देख सकते हो. ये देखिए बिल्कुल ऐसा है,
ट्रू टू द साइज है दोनों कुर्तीज. मिंत्रा वाली कुर्ती मैंने ली है 735 या 50 रुपीज समथिंग की, आई मीन 750 लगा लीजिए. और ये वाली जो है आपको 300 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक की मिल जाएगी मीशो पे. फैब्रिक एकदम सेम है, कितना ज्यादा शॉकिंग होता है ना. ये जो है नीचे तक आपको पूरा का पूरा ये देखिए एकदम इसी फैब्रिक प्रिंट पे मिलेगा, एंड बैक साइड पे भी ये पूरा इसी फैब्रिक प्रिंट पे मिल जाएगा ये देखिए. और ये है मीशो का कुर्ता, ये भी नीचे आपको पूरा इसी फैब्रिक प्रिंट पे मिलेगा ऐसे, एंड बैक साइड पे भी ऐसे मिलेगा. ट्राई ऑन मैंने इन दोनों के भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हो कंपेयर करके कि ये किस तरीके से लग रहे हैं वेयर करने के बाद. नाउ गाइज ये तो बात हो गई प्रोडक्ट्स की एंड प्राइजेस की. मैंने जो पिंक वाली ड्रेस आपके साथ शेयर की थी मिंत्रा वाली थी 1850 रुपए की, मीशो की थी 850 रुपए की, और ये येलो वाली कुर्ती 750 रुपए की मिलती है आपको मिंत्रा पे. एट टाइम्स ही आपको वहाँ पे 800 रुपए की भी मिल जाती है, और मीशो पे आपको ये मिलती है 350 से लेकर के 450 रुपए. मैंने आई थिंक इसके 400 रुपए कुछ दिए थे येलो वाली के. नाउ अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों. काफी सारे सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनसे बात करने के बाद ये कंक्लूजन आया कि मीशो में जो है वो सेलर्स को बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं. जब सेलर आपको यू नो कस्टमर्स को कुछ भी डिलीवर करता है तो डिलीवरी के चार्जेस जो है वो मीशो बेयर करता है. सेलर जो भी प्राइस कोट करता है इनको एग्जैक्टली उतना पूरा अमाउंट मिलता है. वेयर इन अगर आप किसी और वेबसाइट से, चाहे मिंत्रा हो या फिर जो अमेजोन के सेलर्स हैं, वो जो है कमीशन पे करते हैं डिलीवरीज के लिए, उनके अपने चार्जेस होते हैं, फीस वगैरह होती हैं. सो वो जो है उसको इंक्लूड करके कस्टमर को पे करना होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं सेलर हूं और मेरी एक 750 रुपए की कॉस्टिंग है एक कुर्ते की, तो अगर मैं उसको मीशो पे बेच रही हूं और मैं उसको डायरेक्ट 750 की ही बेच सकती हूं क्योंकि मेरे को पूरा 750 रुपी जो है सेलर को मिल जाएगा. लेकिन अगर मैं उसको बेचती हूं किसी और वेबसाइट पे अदर देन मीशो, मुझे वहां पे उसके चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, डिलीवरी के हो गए या फिर रिटर्न चार्जेस हो गए या फिर उसकी शिपिंग की कॉस्टिंग हो गई, वो सारे उसमें इंक्लूड करके. तो सेलर क्या करते हैं, वो जो यू नो शिपिंग का और वो जो फीस वगैरह होता है कमीशन का जो पार्ट होता है वो एड ऑन कर देते हैं अपने एमआरपी पे. तो वो जो डिफरेंस होता है वो पे करना पड़ता है अल्टीमेटली किसको, कस्टमर को. सो ये जो है सबसे बड़ा रीजन है आपको मीशो के अलावा किसी और वेबसाइट पे डबल प्राइस देना पड़ता है या फिर ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, और सेम ब्रांड का ही आपको मीशो पे सस्ता मिल जाता है. एंड यस कई बार ऐसा होता है कि हाँ ये मैं मानती हूँ, ये मैंने भी देखा है कि सेम ब्रांड जो है मीशो पे आप देखना कि ना कुछ अलग ही तरीके की पैकेजिंग आती है जब आपको डिलीवर होता है. एंड अगर आप अमेजोन मिंत्रा या फिर यहां से लेते हो तो आपको काफी अच्छी पैकेजिंग में देते हैं. तो ये डिफरेंस एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मीशो को जो है सेलर्स पे नहीं करते हैं, मीशो नहीं मांगता है उनसे डिलीवरी के चार्जेस, इसलिए आपको जस्ट एक नॉर्मल सी पैकेजिंग में वो प्रोडक्ट मिलता है. वेयर इन जब आप किसी और वेबसाइट से लेते हो क्योंकि वहां पे सेलर्स जो है पैसे दे रहे हैं उनको डिलीवरी एंड शिपिंग के लिए उसकी इंश्योरेंस की प्रोडक्ट के, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट भी जो है अच्छे से पैक होकर डिलीवर होता है. तो ये तो हो गया सबसे बड़ा एक रीजन. ना दूसरा रीजन ये भी है कि मीशो में अगर आपने कभी नोट किया हो कि एक यू नो सिंगल प्रोडक्ट जो है आपको बहुत सारे सेलर्स दिखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग प्राइस पे यू नो बहुत सारे सेलर्स बेच रहे होते हैं. ये मैं अपना यू नो नजरिया आपको बता रही हूँ जो कि मैंने नोट किया है. तो पता ये चला कि मीशो में जो है कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है. सपोज कीजिए कि एक सेलर ने ना एक कुर्ती कुछ बनाई और वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, एंड ऑडियंस ने कस्टमर्स ने खूब सारी वो बल्क में खरीद रहे हैं और उसकी सेल काफी अच्छी है, तो और सेलर्स क्या करते हैं सेम कॉपी करके थोड़े से यू नो कम प्राइस में इसलिए बेचते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ना फैब्रिक में कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर वर्क में कॉम्प्रोमाइज करते हैं. थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आपको और कम प्राइसेस में खूब सारे सेलर्स आपको सेम चीज यू नो बेचते हुए दिख जाएंगे. लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे ऐसा नहीं होता है. आपने कभी नोट किया होगा कि अगर सपोज एक ब्रांड का एक कुर्ता है तो सिर्फ वो ही ब्रांड उसको सेल कर रहा होगा और कोई भी ब्रांड उसको सेल नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडो एरा को. अगर इंडो एरा का आप एक प्रोडक्ट देखोगे अमेजोन पे तो सेम यू नो प्रोडक्ट सेम वर्क सिर्फ इंडो एरा ही आपको सेल कर रहा होगा और कोई भी सेल नहीं कर रहा होगा. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मीशो में आपको कॉपीड वर्जन मिल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है सेलर्स में, तो वहां पे आपको वो कम यू नो मतलब फैब्रिक में या फिर यू नो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके आपको कम प्राइस पे देते हैं. लेकिन अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट मिंत्रा या फिर और भी जो यू नो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि सेलर्स को उसके लिए फाइन पे करना होता है. जितने ज्यादा यू नो कस्टमर्स रिटर्न करते हैं तो सेलर्स को उसके लिए पे भी करना पड़ता है, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी आपको देते हैं क्योंकि उनको कोई भी पेनल्टी पे ना करनी पड़े इसलिए. एंड जो दूसरी चीज है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा एंड ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होगी ना और दूसरी वाली अदर देन मीशो, यहाँ पे जो है
आपको कॉपीड वर्जन नहीं मिलता है। अगर कस्टमर को एक चीज पसंद आई है उसको उसी ब्रांड से ही परचेज करनी पड़ेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने काफी सारे लोगों से बात करके अपना एक कंक्लूजन निकाला। और आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या क्या थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो कि मतलब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, मतलब मीशो से ऑलमोस्ट मतलब सेम ब्रांड का आपको कम प्राइस में मिलेगा तो आप कहाँ से लेना परचेज करोगे? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर कि आज जो है ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्यों मीशो हमको कम प्राइस में देता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। बाकी ये जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको ये पसंद आते हैं, आप इनको परचेज करना चाहते हो, तो इनका कोड भी और लिंक भी जो है मैं मीशो का भी और मिंत्रा का भी नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से इनको परचेज कर सकते हो। तो गाइस, पीछे मैंने आप लोगों के साथ स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया था एंड स्विस ब्यूटी के जो है प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे जो कि आपको बहुत पसंद आए थे। एंड मुझे कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट आया था कि एक ऐसा सिंगल आई शेडो पैलेट बताइए जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। तो गाइज मैं आपको ये जो मैं खुद पर्सनली यूज करती आ रही हूँ वो है ये कलर बोर्ड का ब्यूटी ग्लेज पैलेट, जिसमें आपको ना कुछ इस तरीके से बुक शेप में मिल जाता है। इसमें आपको ग्लिटर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको शिमर्स में मिल जाएंगे एंड मैट कलर के मिल जाएंगे। एंड सबसे प्यारा ये कि बहुत ही ज्यादा ये हैंडी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाता है और आप देख सकते हो मैंने काफी सारा जो है इसमें यूज किया हुआ है। यहाँ पे ये कुछ ऐसे पिन शेप में होता है एंड इसमें सारे ग्रीन के शेड्स हैं। यहाँ पे आपको ये सारे पिंक न्यूट्रल टोन्स में ऑरेंज कलर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रेस ऑन ग्लिटर शेड्स भी हैं, मैट में भी हैं एंड शिमर्स में भी हैं कुछ इस तरीके से। दूसरे पैलेट में आपको जो है थर्ड पैलेट में सारे ब्लू के शेड्स मिल जाएंगे कुछ ऐसे, एंड इसका फोर्थ पैलेट आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो कि मैंने कितनी बुरी तरीके से इसको यूज़ किया है क्योंकि इनका स्टे बहुत अच्छा है। एंड अगर आप स्वॉचेस की बात करो तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है इसके स्वॉचेस हो जाएंगे एंड ये काफ़ी अच्छा स्टे रहता है इनका भी। आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, चाहे आप डेली वेयर के लिए हल्के शेड्स यूज़ करना पसंद करते हो या फिर पार्टी वेडिंग्स वगैरह के लिए भी। तो इस प्रोडक्ट को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं इसको पर्सनली काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। तो आप इसको बेझिझक ले सकते हो, इसको मैंने वीडियो पे यहाँ पे टैग कर दिया है तो आप वहाँ से इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ मैं एक नेक्स्ट और हॉल वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगी कि अच्छी अच्छी यूजफुल हॉल वीडियोस या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड। सी यू।